हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल IQ। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन से है। यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर नंबर DC18 को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट होगा, या फिर आप कह सकते हैं अभी हम लोग का वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा था। और वाइंडिंग में जितने भी मैंने आपको लेक्चर दिए हैं उन सारे लेक्चर्स में से ये वाला लेक्चर आपके लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम लोग चार डेफिनेशन को समझने वाले हैं, ठीक है। बैक पिच क्या होता है, फ्रंट पिच क्या होता है, एवरेज पिच क्या होता है, रिजल्टेंट पिच क्या होता है, या फिर कहिए वाइंडिंग पिच क्या होता है। लेक्चर नंबर DC18 में मैंने आपको जो समझाया है बैक पिच फ्रंट पिच वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आप कहिए आपने सिर्फ डेफिनेशन समझा जो आपके बुक में या फिर कहिए किसी भी किताब ऐसा में लिखा हुआ है। ओके, अभी इसका एक्चुअल मीनिंग समझेंगे कि बैक पिच क्यों आ रहा है DC मशीन में, फ्रंट पिच क्यों आ रहा है, ठीक है, एवरेज पिच क्यों आ रहा है यहाँ पे, रिजल्टेंट पिच क्यों आ रहा है यहाँ पे। जब हम लोग AC वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट ले रहे थे तो वहाँ पे ये सब क्यों नहीं आया, या फिर कहिए AC मशीन के वाइंडिंग वाले कॉन्सेप्ट में भी ये फ्रंट पिच बैक पिच एवरेज पिच आ सकता है क्या? तो आज आपको ये पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा है, ठीक है, अभी क्या सीखा हम लोगों ने, बस AC मशीन के वाइंडिंग के कॉन्सेप्ट को सीखा, सिंगल फेज और थ्री फेज। तो वहीं से हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, पीछे हम लोग को आना पड़ रहा है ताकि हम लोग को एक मोमेंटम मिल सके। ओके, जैसे न्यूटन्स लॉ है कि अगर आपको लंबा जंप लेना है तो थोड़ा सा मोमेंटम लाना पड़ेगा अपने बॉडी में, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग को पीछे आना पड़ेगा ताकि इसी एक सिंगल लेक्चर में पूरा का पूरा आपका रिवीजन भी हो जाए और पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाए कि AC वाइंडिंग और DC वाइंडिंग में क्या एक्चुअल अंतर होता है। थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा होगा लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपके लिए ये एक तरीके से खत्म हो जाएगा, वाइंडिंग का जो भी कंफ्यूजन होता है खत्म हो जाएगा, रटने का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अभी हम लोगों ने एक थ्री फेज मशीन लिया हुआ है, अब अल्टरनेटर मान के चलिए या फिर इंडक्शन मशीन मान के चलिए आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, स्लॉट मान लेते हैं 24 स्लॉट है इसमें, चार पोल का मशीन है। और अभी हम लोग पोल पिच कैलकुलेट करेंगे तो सीधी सी बात है टोटल स्लॉट डिवाइडेड बाय टोटल पोल, तो हम लोग का आ जाएगा 6 स्लॉट, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे ये 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री के बराबर होता है। ओके, अब देखिए सबसे पहले अभी तक जो हम लोग वाइंडिंग करना सीख रहे थे थ्री फेज मशीन के लिए, वो हम लोगों ने आर्मेचर यानी स्टेटर बनाया था, स्टेटर के अंदर हम लोगों ने 24 स्लॉट दिखाया था। अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। ओके, 24 स्लॉट मेरे को यहाँ पे दिखाना होगा, 1 2, तो थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम बना लेता हूँ या फिर इसको मैं बाद में बना लूंगा, अभी हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपने पोल पिच निकाला और मान लेते हैं अभी ये सिंगल लेयर वाइंडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिंगल लेयर और डबल लेयर में क्या अंतर होता है ये आज आपको क्लियर हो जाएगा। और अभी मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे फुल पिच वाइंडिंग करेंगे, फुल पिच वाइंडिंग करने का मतलब क्या, जो मेरा पोल पिच होगा वही मेरा दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस होगा, मतलब एक ही कॉइल के दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और ये चार पोल मशीन है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो मेरा थीटा इलेक्ट्रिकल होगा ये कितना होगा, 720 डिग्री के बराबर। और ये थ्री फेज मशीन है इसका मतलब क्या, इसके अंदर तीन फेज होगा, एक आपका R, एक Y और एक आपका B। और अभी यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका R फेज का कॉइल है मेन कॉइल, ये आपका वाई का और ये आपका बी का। ओके, अब देखें टोटल कॉइल कितना होगा, सिंगल लेयर कर रहे हैं 24 स्लॉट है तो सीधी सी बात है मेरा इसमें कितना होगा, 12 कॉइल होगा। ओके, समझ रहे बात को, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ थ्री फेज के लिए यानी तीनों फेज आर वाई बी के लिए मेरा टोटल कॉइल कितना है, 12 कॉइल। ओके, तो एक फेज के लिए कितना हो जाएगा, मतलब एक फेज के हिस्से में कितना जाएगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका 4 कॉइल आएगा। ओके, कहने का मतलब ये जो आपका आर फेज का मेन कॉइल है इसको आपको 4 कॉइल में तोड़ना होगा, यानी 4 कॉइल का ग्रुपिंग होगा, उसी तरीके से ये भी 4 कॉइल और ये भी आपका 4 कॉइल। ओके,
और चार कॉइल्स का मतलब क्या हुआ कि आर फेज को जब आप स्टेटर वाले स्लॉट में डालिएगा तो ये आपका 8 स्लॉट का स्पेस लेगा, ठीक है, ये भी आपका 8 स्लॉट और ये भी आपका 8 स्लॉट। ओके, अब समझिए, आपको पता है आर वाई बी के बीच में 120 120 120 का फेज डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग वो फेज डिफरेंस क्या करेंगे, स्लॉट के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल के लिए मेरा कितना होगा, क्योंकि 720 इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या हो, एक राउंड घूमने के कारण मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। यानी कह सकते हैं 24 स्लॉट, क्योंकि 24 स्लॉट मतलब क्या, एक राउंड आपने लगा लिया है, तो 24 स्लॉट में 720 इलेक्ट्रिकल डिग्री बन रहा है। तो एक इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए क्या हो जाएगा आपका, 24 डिवाइडेड बाय 720। तो मुझे कितना चाहिए, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो 24 डिवाइडेड बाय 720 गुना 120 कितना हो जाएगा आपका, 12 6 72 और ये 4, यानी आप कह सकते हैं 4 हो गया मेरा, 4 स्लॉट का, मतलब 4 स्लॉट में छोड़ दूंगा तो आप सिंपली कह सकते हैं 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, क्लियर। अब हम लोग एक चीज और समझते हैं, जैसे 3 फेज के लिए 12 कॉइल था, तो एक फेज के लिए कितना कॉइल आ गया, 4 कॉइल। और आपको पता है ये आर फेज के चलते ना, ठीक है, ये आर फेज के चलते 4 पोल बनेगा, इसके चलते भी आपका 4 पोल बनेगा और इसके चलते भी आपका 4 पोल बनेगा, ऐसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मैं लिखूँ एक फेज के चलते मेरे को कितना, 4 कॉइल, ठीक है, या फिर कहीं इसी को मैं कह सकता हूँ इस एक फेज के चलते मेरा 4 पोल बनेगा। तो 4 पोल बनने के लिए कितना कॉइल लगेगा भाई, 4 कॉइल लगेगा, समझ रहे बात को, क्योंकि 4 ही कॉइल है ना एक फेज में, तो पूरा का पूरा हम लोग कंसिडर कर चलते तो एक फेज का आ जा रहा है, ठीक है, इसी 4 कॉइल के चलते तो 4 पोल बनेगा। तो वही लिखा मैंने, 4 पोल बन रहा है 4 कॉइल के चलते, तो एक पोल बनाने के लिए मेरा कितना कॉइल लगेगा, 4 डिवाइडेड बाय 4, यानी आप कह सकते हैं 1 कॉइल, ठीक है। और एक कॉइल कहने का मतलब क्या हुआ भाई, सिंपली कह सकते हैं 2 स्लॉट, नहीं मतलब एक पोल बनाने के लिए मेरे को लग रहा है यहाँ पे 1 कॉइल, यहाँ पे पैन नहीं चल रहा है थोड़ा सा, ये 1 कॉइल है यहाँ पे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इस कॉइल को, क्योंकि एक कॉइल इसका मतलब क्या, 2 स्लॉट ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं करेगा स्पेस, बोलिए। हाँ, तो सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं 2 स्लॉट का स्पेस लेगा ये, ठीक है। अब हम लोग ये डायग्राम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 24 स्लॉट बना दिया है, और ये आप इमेजिन कर सकते हैं ये ऐसा क्यों मैंने दिखाया, ये लीनियर दिखाया, मतलब क्या, जो हम लोग का इस तरीके का स्टेटर था, ठीक है, तो स्टेटर को मैंने क्या किया, सिंपली बीच से कट कर दिया, और आपको पता है इसके अंदर इस तरीके का स्लॉट बना हुआ रहता है। ओके, तो बी यहाँ से जब कट कीजिएगा इसको, इस साइड खोल दीजिएगा, एक को इस साइड खोल दीजिएगा, तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ओके, तो ये आपके लिए कुछ नया नहीं है। अब हम लोग इसमें वाइंडिंग करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले नेमिंग करते हैं, स्लॉट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये आपका 23 और ये आपका 24। ओके, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग स्लॉट नंबर 1 में कॉइल डाल रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है एक फेज के लिए कितना है, 4 कॉइल है, ठीक है, कितना स्लॉट लेगा ये, 8 स्लॉट लेगा, ठीक है। और एक पोल बनाने के लिए कितना हो रहा है आपका, 2 स्लॉट, मतलब एक पोल आपका एक कॉइल के थ्रू बनाया जा रहा है। ओके, एक पोल आपका एक कॉइल से बनाया जा रहा है, मतलब 2 स्लॉट एरिया ऑक्यूपाई करेगा ये, समझिए। अगर मैं यहाँ पे पहला डाल रहा हूँ, ठीक है, पहला कॉइल, ठीक है, तो इसका जो दूसरा कंडक्टर होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे फुल पिच वाइंडिंग करना है, तो आपको पता है यहाँ पे 6 स्लॉट का गैपिंग होना चाहिए, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी इसको 7 में डालेंगे हम लोग, क्योंकि 7 माइनस 1 करेंगे तो मेरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 6 मिल जाएगा, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब
सेकंड वाले क्वेश्चन नेमिंग कर देते हैं। ये मान लेते हैं आपका ए है यानी ए वन है, तो ये आपका ए वन डैश हो जाएगा। ठीक है, नेमिंग हम लोग ऊपर करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ ये ए वन है, तो इधर वाला आपका ए वन डैश हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से भाई, अब क्योंकि अभी तो एक ही स्लॉट भरा है ना, मेरे को एक पोल बनाने के लिए दो स्लॉट भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूसरा कॉइल डालूंगा, मतलब ये एक कॉइल आपका खत्म हो गया। जैसे ये चार कॉइल था ना, तो इसको आप एक कॉइल, फिर आपका दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये आपका चौथा, तो एक कॉइल आपने डाल दिया। ठीक है, अब हम लोग इस पे आते हैं। तो इसको मान लेते हैं मैंने सेकंड नंबर पे डाला है, क्योंकि सेकंड पे ही क्यों डाल रहे हैं, स्पेस क्यों नहीं छोड़ रहे हम लोग, क्योंकि अगर ये नॉर्थ बनेगा तो इसके चलते भी आपका नॉर्थ बनना चाहिए। ठीक है ना, अभी समझ में आएगा आपको। फिर क्योंकि इसका जो दूसरा कंडक्टर है, इसके लिए भी छह स्लॉट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो इसको 8 नंबर में डालेंगे। ओके, ये हो गया आपका, इसको आप बी वन मान लीजिए, तो आपका ये बी वन डैश हो जाएगा, तो नेमिंग मैं करूंगा नहीं। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ आर फेज के लिए। ठीक है, सिंपली समझिए। तो अभी हम लोगों ने दो कॉइल डाल दिया, इसको भी डाल दिया और इसको भी डाल दिया। ओके, अब हम लोग ये रिमेनिंग दो कॉइल को डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो स्लॉट भर चुका है, यानी यहाँ पे मान लेते ये नॉर्थ बना इसके चलते, क्योंकि इसमें करंट जाएगा ना, ऊपर की तरफ जाएगा फिर नीचे की तरफ जाएगा, समझ रहे? अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहे मतलब क्या, यहाँ पे दोनों के चलते नॉर्थ नॉर्थ बनेगा, और यहाँ पे क्योंकि करंट आपका डाउनवर्ड आएगा कनेक्शन करने के बाद, तो यहाँ पे साउथ साउथ बनेगा। ठीक है, तो दो दो स्लॉट भर गया है। ओके, यहाँ पे नॉर्थ पोल बना, फिर एक यहाँ पे साउथ पोल बना। ओके, अब हम लोग का जो एक और पोल बनेगा, क्योंकि चार पोल बना ना एक ही फेज के चलते, आर फेज के चलते चार पोल बनेगा ना, समझ रहे हैं? हर एक फेज से चार 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 पोल बनेगा दो दो स्लॉट के लिए। अब यहाँ से काउंट कीजिए, क्योंकि मुझे नेक्स्ट बनाना ना, तो और ये पोल की बात हो रही, तो अल्टरनेट पोल के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पोल पीच के बराबर है। नहीं, अब यहाँ से काउंट कीजिए यहाँ से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी अब मेरा जो ये वाला कॉइल है, थर्ड नंबर वाला कॉइल, यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और यहाँ से 6 1 2 3 4 5 6, यानी 19 वाले में चला जाएगा आपका। ओके, ये मैंने डाल दिया। अब फिर यहाँ से काउंट करेंगे 6 स्लॉट, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे आपका फोर्थ वाला कॉइल आ जाएगा। ठीक है, और इसका ये वाला आ जाएगा। तो हम लोगों ने आर फेज का जो चार कॉइल था, यानी जो मेन कॉइल था, उसको हम लोग चार कॉइल में पार्ट डिवाइड किया था, चारों कॉइल को डाल दिया। ठीक है, और अब देख रहे हैं चार कॉइल के लिए कितना, 8 स्लॉट, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 स्लॉट चला गया आपका। ठीक है, अब हम लोग उसका कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन के लिए हम लोग सिंपली, जैसे मान लेते हैं यहाँ से मैंने वाइंडिंग करना स्टार्ट किया है। ठीक है, इस तार को आप यहाँ से बाहर निकाल लीजिए सबसे पहले, तो ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने वाइंडिंग करना चालू किया, तो इसको मैं इसमें जोड़ देता हूँ, अभी रफ मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, फिर ये आया। अब देखिए, करंट अगर मेरा यहाँ से जा रहा होगा, इधर से जा रहा होगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे आ रहा हो करंट, तो इसमें डाउनवर्ड, फिर अगेन इस तरीके से, फिर अपवर्ड, फिर अगेन आपका इस तरीके से डाउनवर्ड। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, इसको सिंपली इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगेन क्या होगा, ये अपवर्ड, फिर ये करंट इधर डाउनवर्ड, फिर इसको अगर हम लोग इसके साथ जोड़ देंगे तो ये अगेन क्या हो जाएगा, अपवर्ड, और ये फिर आपका अगेन डाउनवर्ड, और ये तार आपका क्या होगा, इसमें हम लोगों ने पॉजिटिव अप्लाई किया हुआ है और इसमें हम लोगों ने नेगेटिव अप्लाई किया हुआ, समझ रहे बात को? इस तरीके से आपका सिंपल मैंने कनेक्शन करके दिखाया है। अब देखिए, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं, मतलब क्या है, ये नॉर्थ नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ पे आपका साउथ साउथ, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगेन ये आपका नॉर्थ नॉर्थ, और ये आपका अगेन साउथ साउथ। क्लियर? तो अभी हम लोग कनेक्शन को मैं मिटा देता हूँ, कनेक्शन हम लोग बाद में करेंगे, अभी बस मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है। तो आर फेस का तो हो गया खत्म कहानी। ठीक है, अब हम लोग सिंपली ये वाई फेस को करते हैं। तो आपको पता है भाई कि वाई फेस और आर फेस, ये आपका आर है, ओके, तो इनके बीच में कितना होना चाहिए, 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री होना चाहिए। ठीक ना, तो 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए कितना स्लॉट छोड़ना पड़ेगा, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, 4 स्लॉट। ठीक है, तो यहां से काउंट करते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि ए वन से डैश स्टार्ट कर रहा है ना, ए वन मतलब क्या, ये मेन कॉइल, यहीं से 1 2 3 4, यानी इस नंबर पे आपका वाई फेस का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्योंकि फुल पिच कर रहे, इसके लिए 6 स्लॉट छोड़ना होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें इसको इस तरीके से जोड़ देंगे भाई, वही कॉन्सेप्ट है, बस ये मैंने मेथड चेंज कर लिया, ये आपका एक स्लॉट अलग तरीके से मैंने दिखाया, इसमें कुछ नया नहीं है। ओके,
उसी तरीके से अब यहां से जोड़ेंगे, 1 2 3 4, तो यहां पे आपका आ जाएगा दूसरा कॉइल वाई फेस का। ओके, उसी तरीके से ये आपका नॉर्थ नॉर्थ बनाएगा या फिर साउथ साउथ, तो डिपेंड करता है कि, तो उस पर हमने बात बात किया। जैसे देखिए इसके बगल वाला भाई, इसमें भी जस्ट कनेक्शन करके दिया था, इसमें डाउनलोड आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बोलिए यानी इसमें साउथ साउथ जा रहा था, ठीक है, तो इसको भी साउथ साउथ बनाएंगे, समझ गया, करंट हम लोग का डाउनलोड होना चाहिए, समझ रहे हैं। ओके, तो देखिए कहना क्या चाहता, इस फोटो को आप देखिए थोड़ा सा, और यहाँ पे ओपन नहीं है, कोई नहीं, ओपन कर लेंगे उसको बाद में, अभी समझिए ये आपका दो कॉइल डल गया, ठीक है, यानी यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ बनेगा, ये आपका साउथ साउथ बनेगा, फिर अगेन नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, ठीक है, तो पोल को, पोल के ऊपर फोकस करना नहीं, इससे यानी इस वाले कॉइल से आप 6 स्लॉट छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ से करेंगे ना, इस पॉइंट से जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है, ये वाई फेस का तीसरा कॉइल, छठा, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें आपका जाएगा दूसरा कॉइल साइड। उसी तरीके से जब यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें आ जाएगा आपका। ओके, ये आपका वाई फेस का चारों कॉइल हम लोगों ने प्लेस कर दिया है, तो अब इसके चलते नॉर्थ बना, तो यहाँ पे साउथ बनेगा, फिर यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, फिर यहाँ पे साउथ बनेगा, क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे बी फेज का डालना है, तो बी फेज वाई फेज से कितना होना चाहिए, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल, यानी 4 स्लॉट हम लोग को अगेन जोड़ना होगा, ठीक है, तो 4 स्लॉट हम लोग जोड़ते हैं, या फिर कहिए ए फेज से अगर नापेंगे तो हम लोग को 8 स्लॉट छोड़ना होगा, ठीक ना, तो ए से ही नाप लेते हैं, क्या दिक्कत है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। और वही अगर आप ये वाई फेस से नापते हैं, क्योंकि वाई फेस का कंडक्टर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसे नापे 1 2 3 4, तो 4 इसी में डाल रहे हैं ना, ठीक है, तो आप कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ए से स्टार्ट कीजिए, या फिर आप मतलब आर फेस से जोड़िए, या फिर आप वाई फेस से जोड़िए, आपका सेम आएगा, ठीक है, 1 स्लॉट इसमें डाला तो 6 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें आएगा आपका, ठीक है। उसी तरीके से एक कॉइल आपका इसमें, क्योंकि हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो इसमें आ जाएगा, और एक आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है, तो दो कॉइल हम लोगों ने प्लेस कर दिया है। अब देखिए, अब ये दो कॉइल तो हम लोगों ने डाल दिया, अब यहीं से यानी यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल बन रहा है तो यहाँ पे साउथ पोल, ठीक है, तो इसका अगेन फिर क्या होगा, नॉर्थ पोल आगे बनेगा फिर साउथ पोल बनेगा, ठीक है, तो इसी वाले ब्राउन से जहाँ से एंड हो रहा है यहाँ से काउंट करते हैं 6 स्लॉट, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे आएगा पहला, ठीक है, यानी थर्ड कॉइल का पहला कंडक्टर यहाँ पे डाला, ठीक है, तो दूसरा कहाँ जाएगा, 6 स्लॉट बाद, तो यहाँ पे 1 2 3, अब आगे तो है नहीं, तो इसको जोड़िए 4 5 और 6, यानी यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये कॉइल इस तरीके से स्टार्ट होकर ऐसे गया है, तो ये क्या होगा फिर, इस डायरेक्शन में बैंड होगा, यानी इस डायरेक्शन में मुड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये जो आपने डाला है ना यहाँ पे, ये इसमें हमेशा इस तरीके से दिखाना होगा, समझ गए, क्योंकि यहीं से आप इमेजिन कर लीजिए ना, ये जब कॉइल आपने इस तरीके से ऐसे डाल दिया तो ये इसी डायरेक्शन में बैंड होगा ना, तो इसी के पैरेलल आपको यहाँ पे लाइन खींचना होगा, समझ रहे हैं, ठीक है, कभी भी मिटा के दिखाता हूँ, कभी भी आप इस डायरेक्शन में नहीं बनाएंगे इसका, ठीक है, क्योंकि ये गलत हो जाएगा वाइंडिंग, क्योंकि आप देख रहे हैं इसको मैंने इस डायरेक्शन बैंड किया, इस डायरेक्शन बैंड होने का मतलब क्या है, ये ऐसे आएगा, ठीक है, फिर इस वाले से यानी लास्ट वाला है 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका फोर्थ कॉइल बी फेज का, और अगेन ये इस डायरेक्शन बैंड होगा, तो यहाँ से 6 स्लॉट जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका। ओके, तो इस तरीके से आपने सिंपली क्या किया है, एसी वाइंडिंग का, खासकर 3 फेज के लिए सिंगल लेयर का फुल पिच वाइंडिंग करना सीखा है, ठीक है। अब कनेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, तो बहुत ही इजी है, सबसे पहले ये ग्रीन वाला जो है ना, ग्रीन वाले को आप जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये आपका, क्योंकि यहीं से मैंने स्टार्ट किया था, तो इसको आप निकाल लीजिए, ये आपका इस तरीके से इसको इसके साथ जोड़ देंगे, फिर इसको इसके साथ जोड़ देंगे, फिर ये आपका इस तरीके से घूम करके आ रहा है, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, फिर ये अगेन आपका यहाँ पे निकल गया, इसको यहाँ पे ले आते हैं, क्लियर हो गया। उसी तरीके से अब हम लोग ब्लू वाले के लिए, तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, समझिए, देखिए एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, देखिए थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ,
समझिए क्या कहना चाहता हूं मैं। 24 स्लॉट है, ठीक है, 24 स्लॉट था आपका, चार पोल बनना है, ठीक है, टोटल 12 कॉइल है। 12 कॉइल कहने का मतलब सिंपली कह सकते हैं मेरे पास 12 कंडक्टर, आई मीन 24 कंडक्टर है, ठीक है, जेड इक्वल टू 24, समझिए। अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, 24 कंडक्टर के चलते आपका चार पोल बन रहा है, ठीक है, तो एक कंडक्टर के चलते कितना पोल बनेगा, फिर ऐसे समझिए ना भाई, देखिए कहना क्या मैं चाहता हूँ, इसको ऐसे समझिए, थ्री फेज है 12 कॉइल को लेकर के, ठीक है, यानी तीन फेज 12 कॉइल के चलते बन रहा है, तो एक फेज के चलते कितना आया था आपका सीधे सीधे चार कॉइल, ठीक है, और चार कॉइल कहने का मतलब आपका क्या 8 स्लॉट, ठीक है, समझ रहे बात को, 8 स्लॉट कहने का मतलब क्या है, इसमें 8 कंडक्टर। तो अभी यहाँ पे सिंपली समझिए, ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय चार की कितना आएगा 6, कहने का मतलब क्या है, ये 24 स्लॉट है ना, 24 स्लॉट में आपको चार पोल बनाना है, समझ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं एक पोल कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, 6 स्लॉट का करेगा कि नहीं करेगा, समझ रहे बात को, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप 2, 4, 6 मतलब इतने दूरी में आपका पूरा का पूरा नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से 2, 2, 4, 2, 6 यानी इतने दूरी में अब आपका साउथ पोल बनेगा, क्लियर, और फिर अगेन 2, 2, 4, 2, 6 यानी इतने दूरी में आपका अगेन नॉर्थ पोल बनेगा, ओके, और अगेन फिर इतने दूरी में आपका साउथ पोल बनेगा, समझ रहे हैं, तो वाइंडिंग यानी जो आप कनेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, कनेक्शन इस तरीके से करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा समय मिटाता हूँ, ठीक है, कनेक्शन आपको भाई इस तरीके से करना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर करंट ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ना, ठीक है, यानी आर फेज के दो कंडक्टर के अंदर अगर करंट ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो ये जो आपका वाई फेज है यानी ब्राउन वाला और ये ब्लू वाला, ठीक है, इसमें भी आपका करंट ऊपर की तरफ ही चढ़ना चाहिए, क्लियर हुआ, ये मैं कहना चाहता हूँ, मतलब कनेक्शन आपका इस तरीके से होना चाहिए कॉइल का कि इन छः जो इनका पेयर बन रहा है ना, दो दो का अलग अलग फेज का, ये सबका एक डायरेक्शन होना, तभी तो ये एक नॉर्थ पोल बनाएगा, और यहाँ पे अगर डाउनवर्ड है तो इसका भी डाउनवर्ड, मैंने तीनों फेज का करंट डाउनवर्ड होना चाहिए, तभी तो ये पूरा पूरा साउथ पोल बनाएगा, समझ रहा है, इसका फिर अगेन अपवर्ड और इसका फिर अगेन डाउनवर्ड, ओके, लेकिन अभी थोड़ा पाउज होइए, इस पूरे मशीन में हम लोग क्या दे रहे हैं, थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं, थ्री फेज सप्लाई देने का मतलब क्या, ये किस तरीके का नेचर होता है, ओके, मतलब कुछ इस तरीके का, मतलब हर एक इंस्टेंट में, मतलब मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि एक जब आपका पॉजिटिव होगा ना, तो उस समय आपका दो रिमेनिंग क्या होता है, नेगेटिव होता है, ओके, तो उसके चलते हम लोग ऐसा पा सकते हैं, ऐसा अचीव कर पाते हैं, ठीक है, तो अभी मेन आपको वाइंडिंग डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा, तो एसी वाइंडिंग में कुछ था नहीं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ये बस आपके एज अ रिविजन पर्पस, और ये वाला मैथड मैंने आपको समझाया, ये वाला मैथड क्यों बताया मैंने, अभी समझ में आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो कनेक्शन है, क्योंकि सिंगल लेयर वाइंडिंग है, तो सिंगल लेयर वाइंडिंग में क्या होता है, वाइंडिंग को जोड़ना एक दूसरे से बहुत ईजी होता है, लेकिन डबल लेयर में कॉम्प्लिकेटेड आएगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा वहाँ पे। देखें ये आपका वही थ्री फेज मशीन का, जो भी हम लोगों ने 24 स्लॉट वाला एग्जांपल लिया था चार पोल मशीन का, उसी के लिए आपका ये वाइंडिंग डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन आप समझिए हम लोगों ने जो कंडक्टर डाला है, ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही कंडक्टर डाला हुआ है, ध्यान से देखिए आप, ये ब्राउन वाला ए फेज को दिखाया गया, इसमें फेजेस को ए बी सी में माना है भाई, ठीक है, तो ब्राउन वाला ए फेज है, तो देखिए तो यहाँ पे भी ब्राउन है और यहाँ पे भी ब्राउन है, ब्राउन का दो कंडक्टर है कि नहीं हमेशा, हाँ, तो हम लोग के भी वाइंडिंग में देखिए तो ग्रीन वाला, क्योंकि ए फेज है तो ग्रीन दोनों साथ में है कि नहीं है, बोलिए, हाँ, समझ रहे बात को, उसी तरीके से ब्राउन वाला भी हमेशा दो दो का पेयर है और ये ब्लू वाला भी आपका दो दो का पेयर है, तो यहाँ पे भी आपका सेम है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचिए कि अलग है, क्योंकि देखिए बी वाले को इसने
लाइट येलो से दिखाया, तो देखिए तो यहाँ पे भी येलो है और यहाँ पे भी येलो है, ये भी अपना दो पेयर है कि नहीं, मतलब ये हमेशा साथ में रहेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है वो है, उसमें आपको झूठ नहीं बोलना कभी भी, ठीक है। हर एक चीज आपके आंखों के सामने है। अब देखिए इसी तरीके से, तो आप समझिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का ये पोजिशन वन है, पोजिशन वन क्यों लिया हम लोगों ने, ऑलरेडी हम लोगों ने बताया था थ्री फेज सिस्टम जो होता है आपका हमेशा क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में चेंज होते रहता है। तो पोजिशन वन में क्या दिखाया कि ए ए मेरा पॉजिटिव होगा तो सीधी जगह बी, और मेरा सी नेगेटिव होगा, ओके। तो उस बेसिस पे देखिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन दिखाया है, तो देखिए मतलब पोजिशन वन में ये वाला, ये देखिए ये ब्लू वाला क्या है, सी का है ना, तो देखिए तो दोनों हिस्से में ऊपर की तरफ है कि नहीं है, हाँ समझ में आया। और इधर वाला जो हिस्सा है इसमें भी क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि भाई ये सर्कुलर है ना, तीन हिस्सा इधर दिखा दिया तो तीन हिस्सा इधर दिखा दिया, तो तीनों में देख रहा है, तीनों फेज में आपका करंट जो है ऊपर की तरफ है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में, तो ये क्या बनाएगा आपका नॉर्थ पोल बनाएगा। और वही इसके लिए देखिए तो सब में क्या है, डाउन की तरह है कि नहीं, नीचे में, तो ये अपना साउथ पोल बनाएगा, ठीक है। फिर अगेन ये आपका नॉर्थ, फिर अगेन ये आपका साउथ। तो भाई थ्री फेज सिस्टम में अगर आपका कुछ कॉन्सेप्ट मतलब कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर थोड़ा सा मतलब हेल्प किया होगा, ठीक है। ये वाइंडिंग थोड़ा सा आपको इजी लगेगा समझने में। और हमेशा मैंने बोला है कि ये जो थ्री फेज है ना, थ्री फेज के चलते जो आपने 12 कॉइल बनाए, क्योंकि सिंगल लेयर चल रहा है हम लोग का, तो एक फेज के हिस्से में आपका कितना, 4 कॉइल है, ठीक है। तो ये जो एक फेज है ना भाई, इसको आर बोलिए या फिर ए बोलिए, इस एक फेज के चलते आपका 4 पोल बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से वाई फेज के चलते भी 4 पोल बनेगा, और जो आपका बी फेज उसके चलते भी 4 पोल बनेगा। लेकिन लेकिन ये जो 4 पोल बन रहा है ना, ये दो दो स्लॉट के अंदर में बनता है, दो दो स्लॉट में, देख रहा है भाई, दो दो स्लॉट मतलब क्या, ब्राउन वाला दो ही है ना यहाँ पे, दो दो ही अपना, दो ही स्लॉट के चलते अपना साउथ पोल बना रहा है, ठीक है। फिर ये अपना दो पोल के चलते साउथ पोल, और ये अपना दो पोल के चलते साउथ पोल, मतलब, और जब ये सबका डायरेक्शन क्योंकि सब सेम है, तो ये एड अप होकर के फिर पूरा पूरा क्या होगा, 6 स्लॉट के अंदर एक साउथ पोल बनाएगा। 6 स्लॉट कैसे मैंने कैलकुलेट किया था, 24 स्लॉट में देखिए 4 पोल आपका 24 स्लॉट के अंदर बन रहा है, ठीक है। देख रहा है ना, 4 ही पोल बन रहा है ना पूरे 24 स्लॉट में। तो भाई एक पोल कितना, तो 24 डिवाइडेड बाय 4 कितना, 6 स्लॉट, तो देख रहे हैं 6 6 स्लॉट पे आपका एक पूरा पोल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ओके। और वैसे अगर आप सिंगल फेज के हिसाब से देखें, तो सिंगल फेज के चलते जो एक पोल बन रहा है वो दो स्लॉट एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। सब चीज ब्रेक कर करके समझाया मैंने, इस समय आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट डीसी वाइंडिंग में, या फिर सिंपली कहिए डबल लेयर वाइंडिंग में, वहां पे क्या दिक्कत होगा, ओके। वहां पे क्यों बैक पिच फ्रंट पिच आ रहा है, या फिर कहिए वाइंडिंग पिच आ रहा है, या फिर एवरेज पिच आ रहा है। अब हम लोग यहाँ से अपने मेन डीसी मशीन वाले कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्रैक्टिकल आर्मेचर को आप देखें, इसमें ये आपका स्लॉट दिख रहा है, ठीक है। तो इस स्लॉट में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इसमें आपका दो कंडक्टर डाला गया है, ठीक है। तो एक सिंगल स्लॉट में अगर दो कंडक्टर दिखे आपको, तो आप सिंपली समझ जाइए वो आपका डबल लेयर वाइंडिंग है, ठीक है। और अभी कुछ ऑफलाइन वीडियोस मिलेंगे आपको मोबाइल से बना करके, यहाँ पे आपका जो सोल्डिंग किया हुआ ना, इसको हम लोग हटा करके कम्यूटेटर सेगमेंट को निकाल करके इस पूरे वाइंडिंग को हम लोग ओपन करके देखेंगे, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कैसे आपका यहाँ पे वाइंडिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। या फिर कहिए लैब वाइंडिंग क्या होता है और वेव वाइंडिंग क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ये कंप्यूटराइज वीडियो जो है इनफ है समझने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग प्रैक्टिकल में आपको दिखाएंगे। अब हम लोग आते हैं आर्मेचर के ऊपर, देखिए ये आपका फ्रंट व्यू 2D डायग्राम दिखाएगा आर्मेचर का। तो अलग अलग तरीके का डिजाइनिंग होता है, ठीक है। जैसे ये आपका फर्स्ट फिगर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अभी अगर हम लोग स्लॉट काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 स्लॉट का ये आपका है, ठीक है। ये कुछ और स्लॉट है, इसमें कुछ और स्लॉट है, कुछ इसमें और स्लॉट है, ठीक है। अब समझिए एक स्लॉट को लेकर के हम लोग फोकस करेंगे। जैसे डबल लेयर वाइंडिंग का मतलब क्या होता है भाई, कि अगर एक कंडक्टर मेरा ऊपर में है, ठीक है, जैसे एक कंडक्टर मैं दिखा देता हूँ ब्लैक से पहले पूरा पूरा, ओके, ये आपका पहला कंडक्टर मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब एक और जो कंडक्टर होगा ना, ये आपका नीचे में होता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके का आप कह सकते हैं डबल लेयर वाइंडिंग है, मतलब एक स्लॉट में आपका दो कंडक्टर होगा,
और इसको अगर हम लोग और डिफरेंट डायग्राम से समझें तो ये देखिए आपका दिखाया गया इसमें, और मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल वीडियो सजेस्ट किए थे जिसमें आपका बहुत बड़ा आर्मेचर पे रीवाइंडिंग किया जा रहा था, उसका पूरा कम्यूटेटर सेगमेंट भी थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रॉय हो रखा था, डैमेज हो रखा था, कॉइल पूरा आपका जला हुआ था, उसमें स्ट्रिप टाइप का तीन तीन पत्ती का, तीन तीन लेयर का हम लोग का वहाँ पे कंडक्टर बना हुआ था, ठीक है। फिर कई कॉइल बना हुआ था, देख रहे हैं यहाँ पे भी, देखिए तो ये आपका इस तरीके का स्लॉट है, देख रहे हैं भाई ये स्लॉट है ना, और इसमें देखिए दो तार डाला हुआ, एक पहला और एक नीचे में भी आपका डाला हुआ, देखिए यहाँ पे एक दो, ठीक है। तो डबल लेयर वाइंडिंग होता है। अब डबल लेयर वाइंडिंग में क्या दिक्कत होगा, सबसे बड़ा दिक्कत होता है भाई इसको जोड़ने में। अब हम लोग देखें, सबसे पहले ये जो ब्लैक ब्लैक कलर से मैंने दिखाया ना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं अपर अपर लेयर, ठीक है। तो अगर मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूं, ज्वाइंट करने की कोशिश करूं, तो मैं कैसे जोड़ूंगा, इसको सिंपली पकड़ करके इसके साथ जोड़ सकता हूं, ठीक है। उसी तरीके से इसको पकड़ करके इसके साथ जोड़ दूंगा, समझ रहे हैं बात को। लेकिन भाई अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो जो अंदर में यानी जो इनर लेयर वाला कॉइल है ना, या फिर कहिए जो कंडक्टर है, उसको फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाइएगा, वहां पे जोड़ने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। या फिर अगर आप कैसे भी करके उसको जोड़ देते हैं, यानी कनेक्ट कर देते हैं, फिर कहिए कॉइल को आप इसके अंदर डाल देते हैं, जोड़ने का मतलब सिंपली आप इसको इसको कॉइल के अंदर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो आपका सिमेट्रिक होता है वाइंडिंग का, वो आपका सिमेट्रिक मेंटेन नहीं रहेगा, अनसिमेट्रिक हो जाएगा। अनसिमेट्रिक कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ कॉइल के पास सिर्फ और सिर्फ अपर लेयर कंडक्टर रहेगा और कुछ कॉइल के पास सिर्फ और सिर्फ लोअर लेयर वाला कंडक्टर रहेगा। इसके चलते जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, खासकर अगर इसको एज अ जनरेटर यूज कर रहे हैं, या फिर कहिए जब आप इसको मोटर तरह यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका टॉर्क भी एक यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, या फिर कहिए जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस कंडक्टर के अंदर, वो भी आपका यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, समझे। तो इससे बचने के लिए यानी अब इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करें, सोचने वाली बात है ना, कैसे हम लोग जोड़ें। और ये अभी यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, मॉनिटर पे नहीं समझ में आएगा, जब प्रैक्टिकली आप एक छोटे डीसी मशीन के आर्मेचर वाले मतलब पूरा कंप्यूटर सेगमेंट से हटा करके जब आप उसको खोलिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कैसे उसमें वाइंडिंग किया रहता है, कैसे आपका अपर लेयर और कैसे आपका इनर लेयर कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, ठीक है। ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा वीडियो बना हुआ आर्मेचर वाइंडिंग से रिलेटेड, आप वहां पे देख सकते हैं, थोड़ा सा स्लो मोशन में देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मेन दिक्कत होता है इन स्लॉट्स में, अगर आप एक बार में सिर्फ और सिर्फ इनर लेयर को डाल रहे हैं और सेकेंड बार में आप सिर्फ और सिर्फ अपर लेयर को डाल रहे हैं, तो वहां पे आपका वाइंडिंग अनसिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक को यानी जो आपका इनर लेयर है उसको हम लोग सिंपली कनेक्ट करेंगे अपर लेयर के साथ, फिर अपर लेयर को इनर लेयर के साथ, मतलब अल्टरनेट चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखें, इस वाले फोटो को, तो यहाँ पे वैसा ही कुछ है, देख रहे हैं इस कॉइल को देखें अगर आप ध्यान से, तो ये अपर लेयर हुआ, ठीक है, ये अपर लेयर होगा आपका, लेकिन इसका जो एक और दूसरा सिरा है ना, ये अंदर घुसा होगा, मतलब ये इसका डाउन लेयर हो जाएगा इस वाले स्लॉट के अंदर में, ओके। मतलब इधर अगर ये अपर लेयर नहीं, बाहर से दिख रहा है आपका, तो जो दूसरा इसका कंडक्टर है ना इसी कॉइल का, ये आपका अंदर दबा हुआ रहेगा, ऊपर से वो नहीं दिखेगा फिर आपको, ओके। अब इसी के चलते, ठीक है, यानी जब हम लोग अपर लेयर को इनर लेयर के साथ जोड़ते हैं, या फिर कहिए टॉप कंडक्टर को बॉटम वाले कंडक्टर के साथ जोड़ते हैं, तो यहीं से आपका निकल करके आता है दो टर्म, एक आपका आएगा बैक पिच, जिसको हम लोग वाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक आएगा आपका फ्रंट पिच, जिसको हम लोग वाई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर हुआ। अब समझिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास एक 12 स्लॉट का आर्मेचर है, ठीक है। आपको पता है हर एक स्लॉट में दो कंडक्टर जाएगा, तो सबसे पहले स्लॉट का नेमिंग करते हैं, आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। और अभी अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें, तो कंडक्टर यानी एक स्लॉट में कितना जाएगा कंडक्टर, दो कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टर के हिसाब से नेमिंग कर देते हैं, ये मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
यहाँ पे 19, 20, 21, 22, 23, 24, ओके समझिए। 12 स्लॉट है, मान लेते हैं ये आपका पोल इक्वल टू, मान लेते हैं हम लोग का दो पोल का मशीन है, ठीक है। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे डबल लेयर वाइंडिंग कर रहे हैं, तो डबल लेयर वाइंडिंग कहने का मतलब क्या, 12 स्लॉट है इसका मतलब क्या, आपका 12 कॉइल होगा, और 12 कॉइल है इसका मतलब क्या, इसमें आप सिंपली कहेंगे 24 कंडक्टर होगा, ठीक है, यानी जेड इक्वल टू 24 होगा। अब आप समझिए, सबसे पहले हम लोग अगर बुक के साथ सिंक्रोनाइज हो, तो जो आपका अपर लेयर होता है उसको डार्क कलर से दिखाते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, ठीक है। समझिए यहाँ पे एक ये स्लॉट नंबर वन है ना, तो यहाँ पे दो कंडक्टर आएगा, ठीक है, मान लेते हैं एक मैंने यहाँ पे डाल दिया, समझे। तो इसके बगल में जो कंडक्टर होगा ना, बुक के हिसाब से अगर सिंक्रोनाइज हो, तो इसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं इस तरीके से, समझे। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि आपका एक स्लॉट है, तो ये जो डार्क लाइन से दिखाया ना मैंने, ठीक है, ये आपका ऊपर वाला एक तरीके से है, ऊपर वाला मतलब ये आपका टॉप कंडक्टर है, और ये डॉटेड लाइन क्या बताता है, बॉटम वाले कंडक्टर को, ठीक है, तो आप माइंड में रखिएगा हमेशा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे कलर ही चेंज कर लेते हैं, मतलब रेड वाले से आप समझिए कि ये मेरा बॉटम वाला कंडक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले पूरे बॉटम कंडक्टर को मैं दिखा देता हूँ, ये आपका इसमें बॉटम कंडक्टर डला हुआ है। थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, लेकिन एक बार टाइम दे दीजिएगा, ये आपका लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का बॉटम कंडक्टर, टॉप कंडक्टर को भी हम लोग दिखा देते हैं यहाँ पे, और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, 12 स्लॉट है, डबल लेयर है, तो 12 कॉइल होगा, 12 कॉइल मतलब क्या, 24 कंडक्टर, 24 कंडक्टर क्या, स्लॉट मेरे पास टोटल 12 ही है, लेकिन मेरे पास 24 कंडक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, एक स्लॉट में कितना जाएगा, दो दो कंडक्टर जाएगा, ओके, वही तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें भी कर देते हैं, तरीके से हम लोगों ने टॉप कंडक्टर और बॉटम कंडक्टर को दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे साइड में बता देता हूँ कि ब्लू वाला क्या है, टॉप कंडक्टर है, ठीक है, और जो रेड वाला है ये आपका बॉटम वाला कंडक्टर है, ठीक है। अब समझिए, सबसे पहले यहीं पे आपको समझाता हूँ मैं, मान लेते हैं हम लोग कि अभी टॉप को टॉप के साथ मैं जोड़ता हूँ, ठीक है। टॉप को टॉप के साथ जोड़ने का मतलब क्या हुआ, ब्लू वाले को आप सिंपली ब्लू के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। उसी तरीके से फिर ये घूम करके जाएगा, तो अगेन फिर इस टॉप वाले को इस टॉप वाले के साथ जोड़ दीजिए, फिर अगेन, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आता है भाई, ठीक है, मतलब आपका वाइंडिंग पूरा पूरा सिमेट्रिक नहीं रहेगा, जिसके चलते आपका ना ही टॉर्क सिमेट्रिकल मिलेगा और ना ही आपका ईएमएफ सिमेट्रिकल मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आपका होता है एक टॉप कंडक्टर को उठाइए, इसको हम लोग हमेशा क्या करेंगे, बॉटम वाले के साथ जोड़ेंगे, बॉटम कहने का मतलब इसको रेड वाले के साथ जोड़ेंगे, समझ गए बात को, ठीक है। इस तरीके का आपका होता है, अब समझिए, ध्यान से समझिए, एक चीज और है यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए टॉप और बॉटम को। अगर आप ध्यान से देखें भाई, तो टॉप वाला जितना भी कंडक्टर है ना, ये सब ऑड नंबर को एक तरीके से लिया हुआ है, मतलब ऑड नंबर टॉप कंडक्टर ने रिजर्व किया हुआ है, जैसे वन यहाँ पे मैंने लिखा था ना, 1 2 3 4 5 6 24 तक, हाँ, तो 1 क्या है आपका, ऑड नंबर है कि नहीं है, बोलिए, हाँ। उसी तरीके से फिर ये 3, फिर आपका 5, फिर 7, फिर 9, मतलब ऑड वाले इंटीजर पे आपका टॉप कंडक्टर रिजर्व है, ठीक है। और वही बॉटम वाले कंडक्टर को देखें, तो आपका हमेशा इवन नंबर पे आपका पड़ा हुआ है, देख रहे हैं, ये आपका दूसरे नंबर पे, मतलब स्लॉट एक ही है, लेकिन ये दोनों, एक इधर वाला हिस्सा और एक इधर वाला हिस्सा, समझ गए बात को, या फिर कहिए ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा, जैसे समझना वैसे आप समझिए। अब समझिए, सबसे पहले हम लोग एसी मशीन का सहारा लेते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले पोल पिच कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो पोल पिच की बात करें यहाँ पे,
12 स्लॉट हैं, टोटल स्लॉट डिवाइडेड बाय टोटल पुल कितना आएगा, 6 आएगा, सही बात है। अब भाई अब मुझे यहाँ पे दो दो तार है ना, समझ रहे हैं, दो दो तार को जोड़ना है। अगर सिंगल तार होता तो हम लोग पोल पिच का सहारा लेते, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब तो यहाँ पे दो दो है ना, समझ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अब हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, सोचने वाली बात है, क्या हम लोग करें यहाँ पे, कैसे हम लोग जोड़ेंगे। लेकिन मेरे को इतना पता है कि टॉप को हम लोग हमेशा बॉटम के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है भाई, जो भी हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं पोल पिच के बराबर होना चाहिए, यानी कॉइल को, भाई देखिए एक पोल पिच होता है और एक आपका कॉइल पिच होता है, ठीक ना। तो पोल पिच और कॉइल पिच अगर दोनों बराबर हैं, मतलब 6-6 स्लॉट के हिसाब से, फिर कहिए 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री के हिसाब से अगर आप रखते हैं, तो आपका जो EMF इंड्यूस्ड होता है, फिर जो टॉर्क मिलेगा वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, समझ गए। मतलब फुल पिच वाइंडिंग हम लोग कोशिश करते हैं करने के लिए, सिंपली समझिए आप, क्योंकि शॉर्ट पिच कीजिएगा तो वहाँ पे आपका EMF कम हो जाता है, ठीक ना, ये कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि पोल पिच के बराबर हो, क्लियर, DC मशीन के लिए खासकर। तो अभी अगर मैं सिंपली, और मैंने आपको बताया था ये अगर पूरा पूरा आर्मेचर का स्लॉट है, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक वाला हिस्सा, और आगे वाले को फ्रंट वाला हिस्सा, ठीक है। तो अभी देखिए इसको, यानी ब्लू वाले कंडक्टर को मैं सीधे से क्या कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसको सिंपली क्या करूँगा, इसके साथ जोड़ूंगा। मतलब इसमें तो आप कभी भी कन्फ्यूज नहीं हुई है, ये मैंने आपको बताया, रीजन बताया कि टॉप को हमेशा बॉटम के साथ जोड़ेंगे हम लोग, समझ गए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली इसको इसके साथ जोड़ दिया, 6 स्लॉट में, 6 स्लॉट में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 7 में से 1 घटाएंगे तो मेरे को कितना मिलेगा, 6 स्लॉट मिला कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सीधे कह सकते हैं कॉइल पिच के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब सिंपली AC मशीन वालों में कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहा हूं, क्लियर हुआ। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, देखिए एक चीज और समझिए आप, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं। पोल पिच में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 6 आ गया मेरा, ठीक है। तो अभी मैंने पहला कॉइल मान लेते हैं, यहाँ से डालना स्टार्ट किया, और आपको पता है ये वाला जो कॉइल है सीधे सीधे किस में जाएगा, 7वें नंबर स्लॉट में जाएगा, ठीक है। तो 7वें नंबर में भाई दो कॉइल है ना, एक टॉप कॉइल है और एक बॉटम कॉइल है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा इसको बॉटम में जोड़ेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए क्योंकि ये मेरा बैक साइड में कनेक्ट किया गया है, यानी बैक की तरफ से आ रहा है ना, मैंने आपको प्रैक्टिकल आर्मेचर दिखाया था, ये वाला हिस्सा, यानी अगर आप इधर वाले पूरे हिस्से को देखें तो इसको हम लोग फ्रंट वाला हिस्सा बोलते हैं, ठीक है, यानी जिस साइड में कम्यूटेटर लगा होता है उसको फ्रंट हिस्सा बोलते हैं, और जिस साइड में कम्यूटेटर नहीं होता उसको हम लोग बैक साइड बोलते हैं, ओके। तो अभी अपने केस में मान लेते हैं आपका कम्यूटेटर सेगमेंट सब नीचे में, इधर में आपका कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है, तो ये आपका फ्रंट ही हुआ और ऊपर वाला आपका बैक हुआ, ठीक है। तो ये तार क्योंकि मेरा पीछे से, भाई दो कंडक्टर है ना, ये वाला कंडक्टर हुआ और एक ये वाला कंडक्टर हुआ, तो कंडक्टर को कंडक्टर से जो जोड़ा जाता है उसको हम लोग एंड कनेक्शन बोलते हैं, फिर उसको हम लोग बैक कनेक्शन बोलते हैं, क्लियर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा है बैक पीच, क्योंकि पीछे से जुड़ रहा है ना भाई, ये भी एक कंडक्टर है और ये भी एक कंडक्टर है। मैंने आपको कॉइल पीच के बारे में समझाया था, कॉइल पीच क्या होता है, दो कंडक्टर के बीच का दूरी, समझ में आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, दो कंडक्टर के बीच का दूरी तो यही हुआ ना, एक 14वें नंबर पे है पड़ा हुआ और एक आपका पहले नंबर पे है। तो यहाँ पे मेरा बैक पिच क्या होगा, YB इक्वल टू क्या होगा बताइए, 14 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 13, समझ गए। तो अभी आप सिंपली समझिए, या फिर कहिए जो बैक पिच मैंने निकाला है, ये बैक पिच किसके बराबर है, पोल पिच के बराबर है, ठीक है, क्योंकि भाई पोल पिच का सहारा लेकर के ही मैंने यहाँ पे 6 स्लॉट डिफाइन किया है ना। तो आप कह सकते हैं बैक पिच जो है मेरा पोल पिच के बराबर है, या फिर कहिए बैक पिच कुछ नहीं आपका, यही है कॉइल पिच AC मशीन के हिसाब से, समझ गए। और क्योंकि बैक पिच मेरा अभी 6 आया है, ठीक है, फिर कहिए पोल पिच मेरा अभी 6 है, फिर कहिए सिंपली कॉइल पिच मेरा 6 है, लेकिन भाई यहाँ पे डबल लेयर वाइंडिंग है, ठीक है। तो डबल लेयर वाइंडिंग कहने का मतलब क्या, पोजीशन देखेंगे, ठीक है, ये पहले नंबर पे है, मतलब स्लॉट नंबर तो एक ही है ये, लेकिन कंडक्टर का कौन सा, ये पहला कंडक्टर नंबर है ये, ठीक ना, समझ गए। तो और ये कितना है, 14 नंबर पे है, ठीक है, तो 14 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, 13 आएगा, समझे। इस तरीके से आपका बैक पिच का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो YB इक्वल टू आप सिंपली कह सकते हैं क्या, इसके लिए क्या फार्मूला कैलकुलेट किया हम लोगों ने, टोटल स्लॉट जो कि आपका 12 था भाई, YB अभी जस्ट बताया मैंने कि पोल पिच के बराबर होता है,
तो पोल पिच का, पोल पिच के बराबर इसका मतलब क्या, जो फॉर्मूला पोल पिच का होगा वही तो मेरा फॉर्मूला बैक पिच के लिए भी होगा। जैसे अगर मेरा पोल पिच के बराबर मेरा, समझिए बैक पिच अगर मेरा पोल पिच के बराबर है, और आपको पता है पोल पिच बराबर होता है आपका टोटल स्लॉट डिवाइडेड बाय टोटल पोल, तो आप सिंपली यहाँ पे वही है ना, पोल मेरा यहाँ पे दो है, ठीक है दो, तो कितना अच्छे आया। ओके, तो इस बेसिस पे आपने इस तरीके से कनेक्ट किया। बस यहाँ पे आपको ये पहले से पता था कि अगर ये टॉप है, टॉप कंडक्टर है स्लॉट नंबर वन का, तो स्लॉट नंबर सेवन में आपका बॉटम के साथ जोड़ना होगा मुझे, ठीक ना। तो इसके लिए भी उपाय है, इसके लिए भी हम लोग पास उपाय है। क्या करेंगे हम लोग, सिंपली ये जो स्लॉट के रूप में हम लोग ने डिफाइन किया है ना पोल पिच को, ठीक है, इसको हम लोग टोटल कंडक्टर के हिसाब से डिफाइन कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, वाई बी इक्वल टू, आप सिंपली टोटल स्लॉट ना लिख करके यहाँ पे मैं 24 लिख दूँ, मतलब कंडक्टर के रूप में लिख दूँ मैं, क्योंकि भाई 12 स्लॉट है, 12 स्लॉट में कितना कंडक्टर है, टोटल 24 कंडक्टर है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जो तार कनेक्ट किया है ये कंडक्टर के हिसाब से तार किया है कनेक्ट, ठीक है। अगर स्लॉट के हिसाब से होता तो सातवें नंबर स्लॉट होता, लेकिन आप देख रहे हैं हम लोग का जो कनेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा कंडक्टर कितने कितने नंबर पे बैठा हुआ है, उस हिसाब से हम लोगों ने जोड़ा है, ठीक है। तो बैक पिच का जो फॉर्मूला है ये, मतलब स्लॉट डिवाइडेड बाय पोल, ये तो सही है, ठीक है, लेकिन भाई ये सटीक नहीं बैठ रहा है ना, आपको फिर यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एकदम सटीक निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टोटल स्लॉट को हम लोग सिंपली किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, टोटल कंडक्टर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। टोटल कंडक्टर कितना है, 24 डिवाइडेड बाय मेरा यहाँ पे पोल, तो वही का वही रहेगा, ठीक है। अगेन पेन चल नहीं रहा है, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ वाई बी इक्वल टू, सिंपली स्लॉट ना लिख करके हम लोग सीधे यहाँ पे जेड लिखेंगे डिवाइडेड बाय टू, तो जेड मेरा क्या है 24 डिवाइडेड बाय दो, कितना आ जाएगा आपका सीधे सीधे 12। ओके, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा पाउज होइए, आपको पता है टॉप को बॉटम के साथ जोड़ना है, तो अभी आपने प्रैक्टिकल जब जोड़ा तो यहाँ पे ये 14 नंबर पे है और ये आपका 1 नंबर पे है, कितना आया आपका बैक पिच, कितना आया ऐसे प्रैक्टिकली 13 आ रहा है, लेकिन इस फॉर्मूले से कितना आ रहा है आपका, ये तो आ रहा है 12, गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें अब मुझे क्या करना होगा, एक ऐड करना पड़ेगा या फिर एक घटाना होगा, समझ गए। बैक पिच हमेशा मेरा ऑड नंबर होगा, कैसे ऑड नंबर होगा, आप किसी को भी उठा लीजिए भाई, जैसे आप मान लेते हैं ये इस कंडक्टर को, यानी टॉप लेयर वाले कंडक्टर को आप सिंपली मान लेते हैं इसके साथ जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, आप अभी बस समझिए। तो अभी भी क्या होगा, ये तीसरे नंबर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये दसवें नंबर पे पड़ा हुआ, तो दस में से तीन जाएगा तो कितना बचेगा, सात बचेगा, तो बैक पिच मेरा सात होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख लीजिए, इसको आप मान लेते हैं इसके साथ ला करके जोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए तो ये कितने नंबर पे है, ये पांचवें नंबर पे पड़ा हुआ, और ये कितने नंबर पे पड़ा हुआ, बीसवें नंबर पे, तो बीस में से पांच जाएगा तो कितना बचेगा, 15। अगेन मेरा बैक पिच क्या आया, ऑड में आया कि नहीं आया, बोलिए। तो बैक पिच हमेशा मेरा क्या होगा, ऑड इंटीजर होता है, ठीक है, ये आपको हमेशा माइंड में रखना है। तो अभी हम लोगों ने पोल पिच वाला ही फार्मूला यूज किया है, बस स्लॉट के जगह मैंने यहाँ पे कंडक्टर डाल दिया है, जेड डिवाइडेड बाय टू, तो 24 डिवाइडेड बाय दो यानी 12, लेकिन भाई अभी हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो मेरा तो यहाँ पे 13 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैक पिच के फॉर्मूले में जो कि आपका है वाई बी इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाय टू, इसमें मुझे 1 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 1 जोड़ेंगे तभी तो 12 प्लस 1 कितना आएगा, 13 के बराबर होगा, तब तो मेरा यहाँ पे सटीक बैठेगा ये फॉर्मूला, ठीक है, या फिर 1 जोड़ेंगे या फिर हम लोग 1 माइनस करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 12 में से 1 घटा दूं तो मेरा कितने के बराबर हो जाएगा, ये 11 के बराबर होगा, ठीक है। यानी ये भी क्या हो रहा है, सीधे सीधे डिफाइन कर रहा है कि आपने एक टॉप बॉटम को, यानी टॉप कंडक्टर को बॉटम कंडक्टर के साथ जोड़ा। 11 कब आता, जब मैं इसको सिंपली किसके साथ जोड़ता, इसके साथ जोड़ता, ठीक है, तो 12 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 11 जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब 11 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलिए। तो जो बैक पिच होता है, अभी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बस पेशेंस रखिए। बैक पिच का सिंपली मतलब है भाई कि जेड डिवाइडेड बाई टू या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से इंटीजर का वैल्यू रखना पड़ेगा कि बैक पिच हमेशा कितने के बराबर मिले, ऑड में मिले, ठीक है, ऑड इंटीजर में मिले। क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि बैक पिच हमेशा ऑड होता है, इतना समझ में आ गया। अब इस फॉर्मूले के ऊपर काम करते हैं हम लोग, कैसे, कहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे, कहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। देखिए बैक पिच को
और बेटर तरीके से समझने के लिए, या फिर कहीं जो आपका बैक पेज का फॉर्मूला है उसको और बेटर तरीके से ड्राइव करने के लिए हम लोग 2 से 3 केस और मान के चलेंगे यहाँ पे। केस वन में मान के चलते हैं मेरे पास एक डीसी मशीन है और इसमें टोटल कंडक्टर मान के चलते हैं 52 है, और टोटल कंडक्टर अगर 52 है भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें स्लॉट्स कितना होगा पहले आप ये बताइए। स्लॉट्स की बात करें तो सीधी सी बात, इसका आधा हो जाएगा यानी 26, ओके। और कॉइल्स की बात करें तो आपका जितना स्लॉट होगा उतना ही आपका कॉइल्स होगा, क्यों, क्योंकि डबल लेयर वाइंडिंग होता है हमेशा, ठीक है। 26 कॉइल है भाई, इसका मतलब ऐसा डबल के तभी तो 52 कंडक्टर मिलेगा, ओके। और 52 कंडक्टर का मतलब क्या, हर एक स्लॉट में आपका दो दो कंडक्टर डाला गया है, ओके। तो अभी मान लेते हैं ये आपका 6 पोल का मशीन है, तो अभी हम लोग यहाँ पे अगर पोल पिच कैलकुलेट करें सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, टोटल स्लॉट यानी 26 डिवाइडेड बाय टोटल पोल यानी 6, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा कैलसी में तो ये आ जाएगा आपका 4.33, ओके 4.33 स्लॉट्स आया, ओके। अब आप समझिए, अभी जस्ट समझाया मैंने कि बैक पिच जो होता है ये हमेशा पोल पिच के बराबर होता है, यानी आप कहेंगे कि बैक पिच भी मेरा 4.33 होना चाहिए, लेकिन नहीं, आप गलत हैं, ठीक है। ये सही है कि बैक पिच आपका पोल पिच के बराबर होता है, लेकिन भाई बैक पिच के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडक्टर को कंडक्टर के साथ जोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं यहाँ पे 26 स्लॉट बनाऊंगा जैसे ऊपर में बना हुआ है, तो इस सिचुएशन में 4.44, सबसे पहली बात फ्रैक्शन में तो स्लॉट है ही नहीं, तो इसको हम लोग मोटा मोटी 4 मान के चलेंगे, ठीक है, 4 मान के चलना पड़ेगा ना हम लोग को, फ्रैक्शन में थोड़ा ना होता है स्लॉट। लेकिन भाई पोल पिच से आप बैक पिच नहीं अभी कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे कंडक्टर के पोजीशन के हिसाब से लिखना होगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, समझ रहे बात को, तो ये 4.433 जो है ना, ये सिंपली आप समझिए ना, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका पहला कंडक्टर पहले स्लॉट में डाला गया है, तो जो दूसरा कंडक्टर होगा ना, मतलब इसका जो इसी कंडक्टर जो ये अगर टॉप लेयर है, तो जो बॉटम लेयर होगा वो चौथे स्लॉट में डालेंगे, कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन 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 ये तो स्लॉट के हिसाब से आप काउंट कर रहे हैं ना, मेरे को तो कंडक्टर के पोजीशन के हिसाब से चाहिए, समझ रहे बात को। तो अभी वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये सही है आपका, लेकिन इसके हिसाब से काम नहीं चलेगा ना, कंडक्टर का मेरे को पर्टिकुलर पोजीशन चाहिए मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली बैक पिच निकालने क्या करूंगा, टोटल कंडक्टर, अब स्लॉट के टर्म में नहीं, टोटल कंडक्टर जो कि मेरा 52 है डिवाइडेड बाय टोटल पोल जो कि मेरा यहाँ पे 6 है, तो इसको पहले करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। 52 डिवाइडेड बाय 6, 52 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया, 8.66, ठीक है 8.66 ये मेरा आया बैक पिच। लेकिन आपको पता है कि इसके साथ हम लोग को या तो प्लस या माइनस कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि बैक पिच मेरा क्या होता है, हमेशा ऑड इंटीजर होगा, ठीक ना, ऑड नंबर का ऑड वैल्यू। तो अभी देखिए तो कितना है आपका 8.66, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड कर दूं मैं, तो अगर आप 0.34 इसमें ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 0.34 क्या है, ये एक इंटीजर है, इसको अगर आप जोड़ देते हैं, मतलब क्या मेरे को डायरेक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 मिल जाएगा, और 9 क्योंकि मेरा एक ऑड इंटीजर वैल्यू है, तो आप कह सकते हैं 9 जैसी मेरा बैक पिच है, इसका मतलब कह सकते हैं मैंने टॉप लेयर वाले कंडक्टर को सीधे सीधे क्या किया है, बॉटम लेयर वाले कंडक्टर को जोड़ दिया है, ठीक है, 9 आया, इसका मतलब ये होता है, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, बैक पिच के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, YB इक्वल टू टोटल कंडक्टर डिवाइडेड बाय टोटल पोल प्लस, इसमें हम लोग ने इस केस में क्या क्या प्लस किया, ठीक है, प्लस करने के कारण हम लोग क्या हो गया, ये 9 मिला, ठीक है। और वही इसमें मैं माइनस भी तो कर सकता था भाई, समझ रहे बात को, ये जो मेरा वैल्यू आया इसमें यानी 8.66 में अगर मैं माइनस कर दूं, कितना माइनस करना हो, कितना, मतलब मैं 7 लाना चाहता हूं, ठीक है, मतलब कुछ माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, मेरे को 7 के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो 7 भी क्या है मेरा, ये ऑड इंटीजर है, ठीक है। इसीलिए बैक पिच के फॉर्मूले में z डिवाइडेड बाय p क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग कंडक्टर के पोजीशन के हिसाब से चल रहे हैं, अगर मेरे को स्लॉट के हिसाब से देखना होता तो सीधे सीधे यहाँ पे स्लॉट लिख देता, ठीक है, यानी पोल पिच वाला फॉर्मूला आप लगा सकते थे सिंपल, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि कभी ना कभी प्लस करना होगा, कभी ना कभी माइनस करना होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू प्लस माइनस करना होगा, जिसके चलते मेरा यहाँ पे ऑड इंटीजर मिले, तो ये आपका बैक पिच हुआ, ठीक है, इस पर्टिकुलर मशीन के लिए। सेकंड केस लेते हैं, एक केस में नहीं समझ में आएगा कभी भी आपको, तो सेकंड केस के लिए हम लोग न्यू पेज पे आते हैं, ठीक है। और देखिए केस 2 में आते हैं, मान लेते हैं एक और डीसी मशीन है,
यहाँ पे मान लेते हैं टोटल कंडक्टर आपका 70 है। टोटल कंडक्टर 70 कहने का मतलब स्लॉट्स कितना होगा आपका आर्मेचर में, आपका 35 हो जाएगा। कॉइल कितना हो जाएगा आपका आर्मेचर में, अगेन 35 कॉइल हो जाएगा। पोल मान लेते हैं आपका 4 पोल का मशीन है, ठीक है। तो पोल पिच की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका टोटल स्लॉट 35 डिवाइडेड बाय 4। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें 35 डिवाइडेड बाय 4 ये हो जाएगा 8.75। तो अगेन भाई स्लॉट्स जो है आपका फ्रैक्शन में तो है नहीं, तो इसको सीधे सीधे क्योंकि 9 के बहुत करीब है तो सीधे सीधे हम इसको 9 मान सकते हैं, ठीक है। मतलब पोल पिच का तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बैक पिच कैलकुलेट करते हैं, तो बैक पिच इक्वल टू जेड, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये स्लॉट के हिसाब से नहीं देखना चाहते हैं, स्लॉट कंडक्टर के पोजिशन के हिसाब से देखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे जेड लिखते हैं। तो जेड मेरा टोटल 70 है, टोटल पोल मेरा 4, और इसको जो अगर मैं करूँ अभी मान लेते हैं यहाँ पे प्लस माइनस होगा, लेकिन मेरे को पता नहीं कितना प्लस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस 70 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा 17.5 आएगा, ठीक है। 17.5 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये सिर्फ और सिर्फ इतने करने के बाद वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या करना होगा मुझे अभी माइनस, अगर मैं इसमें माइनस कर दूँ 0.5 तो क्या हो जाएगा, मैं 17 के बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलिए। यानी अगर मेरा फर्स्ट कंडक्टर यानी जो टॉप लेयर है ये अगर 1 पे है, नहीं स्लॉट नंबर 1 पे ही होगा, लेकिन स्लॉट में भी क्या है आपका 2 है ना, 2 कंडक्टर डाला गया 1 और इधर आपका 2 होगा, ठीक है। तो अगर ये कंडक्टर 1 है, ठीक है, यानी टॉप लेयर कंडक्टर है, तो जो इसका डॉटेड होगा यानी जो इनर लेयर वाला कंडक्टर होगा वो 17 नंबर के साथ जुड़ जाएगा करके, ओके ये हुआ इसका मतलब, ठीक है, ये 17वें नंबर पे आकर के जुड़ेगा। लेकिन इसमें अगर मैं माइनस भी तो कर सकता था, समझ रहे बात को, 17.5 है ना, इसमें मैं जैसे माइनस किया तो 17 मिला, अब इसमें मैं कुछ प्लस भी कर सकता था, अगर प्लस करता तो मेरे को ज़्यादा जोड़ना पड़ता, ठीक ना भाई, क्योंकि मेरे को 17 के बाद डायरेक्ट अगर मैं प्लस करना चाहता क्या, मेरे को डायरेक्ट 19 पे आना होगा, समझ गए। तो 19 पे आने का मतलब क्या, ज़्यादा जोड़ेंगे ना, तो हम लोग हमेशा कम जोड़ने की कोशिश, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जोड़ेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ मतलब जो ऑड इंटीजर के नज़दीक में है, मतलब अगर हम लोग ऑड इंटीजर पे पहुंच पा रहे हैं प्लस करके, मतलब एक स्मॉल वैल्यू को प्लस करके, तो प्लस करेंगे, और अगर ऑड इंटीजर वाले वैल्यू पे अगर हम लोग कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वैल्यू को माइनस करके पहुंच रहे हैं तो वहां पे माइनस करेंगे, ठीक है। अभी और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, बस आप समझिए। अब हम लोग थर्ड केस लेते हैं, ठीक है, ये केस इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं मेरे पास अभी जेड यहाँ पे 60 है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, स्लॉट कितना होगा आपका 30, कॉइल कितना होगा आपका 30, ठीक है। पोल मान लेते हैं आपका यहाँ पे 6 है, तो सबसे पहले अब ये पोल पीछे सब छोड़ दिया, पोल पीछे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वाई बैक पीछे निकालते, क्या हो जाएगा टोटल कंडक्टर यानी 60 डिवाइडेड बाय टोटल पोल यानी 6 कितना आ जाएगा आपका, ये 10 आ गया, ओके। अब अगेन देखिए 10 क्या है, मेरा इवन नंबर है, लेकिन मेरे को तो भाई बैक पिच ऑड में चाहिए ना, अभी जस्ट प्रूफ करवा दिया मैंने आपको कि कहीं भी जोड़ी हमेशा बैक पिच क्या होगा, ऑड ही आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, या तो मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, या तो मैं इसमें 1 माइनस कर दूं तो मेरे को यहाँ पे 9 मिल जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं भाई कि 1 जोड़ने पे भी मेरा 11 आ जा रहा है यानी ऑड वैल्यू आ जा रहा है, और 1 घटाने पे भी मेरा 9 आ जा रहा है यानी ऑड वैल्यू आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा वैल्यू चूज करें, कौन सा इसमें ऐड करेंगे कि इसमें माइनस करेंगे, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। अभी ऊपर वाले केस में क्या था कि अगर ऑड वैल्यू पे आने के लिए मुझे कम वैल्यू माइनस करना पड़ रहा तो माइनस कर देंगे, ठीक है, और वही कम वैल्यू जोड़ना पड़ रहा तो जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जोड़ भी रहे हैं तो एक ही बार, मतलब दोनों जगह प्लस माइनस हमेशा एक एक से हो रहा है ना, तो हम लोग कौन सा अब यहाँ पे चूज करेंगे बैक पिच, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में हम लोग सहारा लेते हैं एवरेज पिच का, ठीक है, बैक पिच समझ में आया। एवरेज पिच पे आने से पहले थोड़ा सा फ्रंट पिच पे आते हैं, ठीक है। एवरेज पिच कहाँ पे यूज करेंगे, जब बैक पिच में, ठीक है, प्लस करने पे भी ऑड आ जा रहा है और 1 माइनस करना, मतलब सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू को प्लस या माइनस करने पे अगर आपका दोनों में इंटीजर आ रहा है, ऑड इंटीजर आ जा रहा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग सीधे सीधे एवरेज पिच का सहारा लेते हैं, ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे। लेकिन फ्रंट पिच पे आते हैं, फ्रंट पिच को भी थोड़ा सा हम लोग इंक्लूड कर लेंगे इस वाइंडिंग पे। फ्रंट पिच का मतलब क्या होता है देखिए, फ्रंट पिच क्या होता है, बैक पिच मतलब पीछे से आपने तार को जोड़ दिया, उस बेसिस पे मतलब एक टॉप लेयर एक आपका बॉटम लेयर, ठीक है। अभी बॉटम लेयर क्या होगा, अगेन आकर के अब आपको पता आगे से भी इसको, क्योंकि इधर मेरा फ्रंट है ना, ये कम्यूटेटर सेगमेंट इधर है आपका पूरा कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है, तो ये फ्रंट बोल रहे हैं हम लोग इसको, तो इसको जब हम लोग लाएंगे तो अगेन आपको पता है नीचे से भी हम लोग वही फैशन में जोड़ेंगे। ये आपका क्या है, इनर लेयर है, तो इनर लेयर को किसके साथ जोड़ेंगे, हमेशा टॉप लेयर के साथ, ठीक है। तो मान लेते हैं इसके साथ मैंने जोड़ दिया, ओके,
तो भाई इस सिचुएशन में भी आप देखिए, क्योंकि इधर मेरा फ्रंट पिच है, फ्रंट पिच मतलब क्या, अगेन दो इन दोनों के बीच का जो दूरी है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये आपका 14 नंबर पे है, ठीक है, और ये आपका तीसरे नंबर पे है। 14 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 11, समझे। 14 - 3 = 11। फ्रंट पिच भी मेरा यहाँ पे ऑड इंटीजर आ रहा है, उसी तरीके से है, कहीं पे भी कर लीजिए आप। अगर आप इसको सीधे सीधे इसके साथ जोड़ देते हैं, यानी 20 में से 17 जाएगा तो 3 आएगा। उसी तरीके से आप इसको यानी 22 नंबर कंडक्टर को उठा करके आप सीधे सीधे किसके साथ जोड़ दीजिए, इसके साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो 22 में से 7 जाएगा, कितना आएगा आपका, 22 में से 7 जाएगा तो जो भी आएगा वैल्यू, तो 5 यानी 15 आएगा, ठीक है। तो 15 भी क्या है आपका, ऑड इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, बैक पिच और आपका फ्रंट पिच ये हमेशा ऑड इंटीजर होता है, चाहे आपका लेप हो या फिर वेव वाइंडिंग हो, ठीक है। ये तो आपका लेप वाइंडिंग है, क्योंकि इस तरीके से चलता है जो सीक्वेंस है, लेप वाइंडिंग होता है। वेव वाइंडिंग की अगर मैं बता दूं आपको, तो वेव वाइंडिंग आपका कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब वेव वाइंडिंग में भी यही है भाई, समझे। मतलब एक टॉप है तो दूसरा आपका बॉटम होगा, ठीक है। तो आपको पता है टॉप लेयर हमेशा क्या है, ऑड पोजीशन को पकड़ा हुआ है। ऑड पोजीशन का नाम है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। और जो आपका बॉटम लेयर है, क्योंकि भाई ये अगर टॉप लेयर है तो ये आपका क्या होगा, बॉटम लेयर के साथ जुड़ा होगा। तो बॉटम लेयर आपको पता है ये हमेशा इवन के साथ जुड़ा होगा, तो दोनों को अगर आप माइनस कीजिएगा, ठीक है, माइनस भाई इधर से अगर माइनस करें समझते हैं, बैक पिच देगा तो बैक पिच वेव वाइंडिंग के लिए भी क्या होगा, ऑड ही होगा, ठीक है। और फ्रंट पिच अगर आप देखेंगे तो अगेन आपका फ्रंट पिच भी ऑड ही होगा, चाहे आपका वाइंडिंग लेप हो या फिर वेव हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। अब हम लोग अगर फ्रंट पिच के फॉर्मूले के ऊपर फोकस करें, तो फ्रंट पिच इक्वल टू क्या होगा आपका, जैसे बैक पिच था ना आपका, उसी तरीके से फ्रंट पिच भी होगा आपका। देखिए, फ्रंट पिच के फॉर्मूले के ऊपर आएंगे, बैक पिच के भी फॉर्मूले के ऊपर आएंगे। अभी हम लोग इस वाले केस को समझते हैं कि अभी +1 करने पे भी हम लोग को ऑड वैल्यू मिल जा रहा है, और -1 करने पे भी हम लोग को ऑड वैल्यू मिल जा रहा है। तो हम लोग किसको चूज करेंगे, 11 को चूज करेंगे या फिर 9 को चूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हेल्प लेते हैं एवरेज पिच का, ठीक है। तो इसको हम लोग वाई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एवरेज पिच होता है आपका वाई बी प्लस वाई एफ डिवाइडेड बाय 2, ओके। ये आपका फॉर्मूला है। एवरेज मतलब क्या, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे क्वांटिटी है। एक होता है आपका वाइंडिंग पिच, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रख के समझिए भाई, कि आप मान के चलिए ऐसा होता है, ठीक ना। वाइंडिंग पिच, तो वाइंडिंग पिच होता है आपका वाई बी प्लस सॉरी माइनस वाई एफ, ठीक है। सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, हर एक टर्म आपको मैं क्लियर करवा दूंगा, बस अभी आप मान के चलिए ऐसा होता है, ओके। और ये जो वाइंडिंग पिच होता है, ये अलग अलग वाइंडिंग के लिए अलग अलग होता है। जैसे आपका सिंप्लेक्स जो अभी हम लोगों ने वाइंडिंग किया है ना, अभी तो मैंने कोई वाइंडिंग करके दिखाया नहीं आपको, लेकिन अभी जैसे मैंने यहाँ पे गैपिंग नहीं छोड़ा है, ठीक ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे वाइंडिंग कर दूँ, ओके, जैसे इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया ना, तो देखिए, तो एक ये स्लॉट नंबर 1 था, ये स्लॉट नंबर 2 था, तो मतलब फिर से घुमा करके मैंने एक ही नंबर स्लॉट में डाल दिया। मतलब क्या, स्लॉट नहीं छोड़ा है मैंने। अगर मैं एक स्लॉट छोड़ करके, मतलब ये जो कंडक्टर है ना, ये वाला जो मैंने जोड़ा, इसको मैं इसमें ना जोड़ करके इसको सीधे सीधे क्या करता, इस वाले कंडक्टर में ला करके जोड़ देता ना, मतलब इसको भाई इसके साथ अगर मैं ला के जोड़ देता, तो ये स्लॉट गैप हो जाता, ये गैपिंग हो जाता, तो उसको हम लोग कहते हैं ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग है, ठीक है। मतलब स्लॉट कितना छोड़ करके आप वाइंडिंग कर रहे हैं, वो सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स ट्रिप्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक भी नई स्लॉट छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप कहेंगे ये सिंप्लेक्स वाइंडिंग है, ठीक है। तो इस पर भी बात करेंगे, बस अभी आप डिफॉल्ट में इतना मान करके चलिए कैसा होता है, ठीक है। तो अभी सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए हमारा यहाँ पे वाइंडिंग पिच क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। तो अभी समझिए कहने का क्या मतलब है, ये समझा दूंगा मैं आपको, कल समझा दूंगा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दूंगा, अभी आप मान के चलिए वाइंडिंग पिच इक्वल टू क्या होता है, वाई बी माइनस वाई एफ, ठीक है। और वाई बी माइनस वाई एफ कहने का मतलब क्या हुआ, सिंपल भाई, अभी तो वाइंडिंग किया नहीं ना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर पहले एक वाइंडिंग करके दिखा दूंगा, उसके बाद फिर ये टर्म को भी हम लोग समझ लेंगे। क्योंकि वाई बी, जैसे अभी हम लोग के केस में वाई बी कितना है, 13, और वाई एफ अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा। तो दोनों को अगर आप माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, वाइंडिंग पिच +2 आएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। किस मशीन के लिए, इस पर्टिकुलर मशीन के लिए, देखिए 12 स्लॉट है ना यहाँ पे, ये पूरा 12 स्लॉट है, 24 कंडक्टर है, z = 24,
ठीक है, तो यहाँ पे आप वाई बी निकालिए, तो वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाय 2, दो पोल का मशीन है तो कितना आएगा आपका 12, और आपको पता है एक अगर मैं जोड़ दूँ इसमें तो मेरा कितना हो जाएगा 13, ठीक है। और वही अगर एक माइनस करता भाई तो 11 आता, ठीक है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब हम लोग भाई समझिए, यही फ्रंट पिच के लिए देखें तो फ्रंट पिच कहने का मतलब क्या, 14 को आपने सिंपली किसके साथ जोड़ा है, 3 के साथ जोड़ा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं वही हम लोग फ्रंट पिच की बात करें भाई वाइंडिंग के हिसाब से, तो ये आपका 14 नंबर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, बॉटम लेयर, और टॉप लेयर आपका तीसरे नंबर पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फ्रंट पिच मतलब क्या, ये सामने से आप जोड़ रहे हैं इसको, क्योंकि कम्यूटेटर सेगमेंट मेरा इधर कहीं नीचे में है, तो 14 में से अगर आप 3 माइनस कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको, 11 के बराबर मिलेगा, यानी आप कह सकते हैं ये आपका क्या हुआ, फ्रंट पिच हुआ इस पर्टिकुलर मशीन के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग अपने इस वाले एग्जांपल पे आते हैं, समझ में आएगा आपको हर एक चीज, ओके। इस वाले एग्जांपल पे आइए, आपने स्टार्टिंग से लिया कि मेरा केस 3 है, टोटल कंडक्टर 60 है, मतलब 30 स्लॉट का ये आर्मेचर होगा, 30 इसमें कॉइल डले होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका पोल पता है 6 है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे बैक पिच कैलकुलेट करते हैं, बैक पिच कितना, 60 डिवाइड बाय 6 यानी 10 आ गया। अब आपको पता है 10 मेरा क्योंकि ये इवन नंबर है, और मेरे को पता है कि बैक पिच हमेशा क्या होता है, ऑड नंबर का होता है, यानी ऑड इंटीजर लाने के लिए क्या करना, या तो इसमें मैं 1 जोड़ दूं, अगर 1 जोड़ता तो मेरे को 11 मिला, आपको पता है 11 मेरा ऑड वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे बैक पिच एज अ 11 लेकर के चल सकता हूँ। लेकिन रुकिए, वही अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगेन मेरा माइनस करने पे यानी सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू यानी 1 को माइनस करने पे मेरे को 9 मिल गया, इसका मतलब क्या हो, ये भी आपका ऑड वैल्यू यानी इसको भी मैं यहाँ पे मान सकता हूँ। तो इस सिचुएशन में अब मैं दोनों में से किसको लूँ, 11 को लेकर के चलूंगा बैक पिच मान के, या फिर 9 को बैक पिच मान के चलूंगा, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिंपली एवरेज पिच का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन एवरेज पिच निकालने के लिए भाई देखिए, तो बैक पिच सबसे पहले चाहिए मेरे को, ठीक है। तो बैक पिच मेरे को पता है, या तो 11 ले लूंगा या तो फिर 9 ले लूंगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे फ्रंट पिच भी तो चाहिए। फ्रंट पिच मैं कैसे पता करूँ, फ्रंट पिच तो मेरे पास है ही नहीं यहाँ पे, समझ रहे हैं। अभी जो आपने फ्रंट पिच कैलकुलेट किया वो तो मैंने यहाँ पे वाइंडिंग करके दिखाया, तभी ना आपने फ्रंट पिच कैलकुलेट किया, लेकिन इस वाले एग्जांपल में आप कैसे कैलकुलेट कर लीजिएगा फ्रंट पिच, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हम लोग के पास एक चीज पता है भाई कि एक होता है वाइंडिंग पिच, ठीक ना। तो वाइंडिंग पिच का फॉर्मूला होता है वाई बी माइनस वाई एफ, ठीक है। तो अगर मेरे को किसी तरीके से वाइंडिंग पिच पता चल जाए, और बैक पिच तो पता ही है, एक बार एक केस में हम लोग 11 ले लेंगे और दूसरे केस में हम लोग 9 ले लेंगे, ठीक है, यानी बैक पिच मेरे को पता है, ठीक है। कहने का मतलब वाइंडिंग पिच पता चल जाए किसी तरीके से और बैक पिच मेरे को पता है, तो यहाँ से मैं फ्रंट पिच कैलकुलेट कर सकता हूँ, सही बात है। और आपको पता है सिंप्लेक्स वाइंडिंग में जो आपका वाइंडिंग पिच होता है हमेशा 2 होता है। देखिए वाइंडिंग पिच का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ ना, वाई बी माइनस वाई एफ, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने वाइंडिंग यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें भाई, बैक पिच तो मेरा 13 है, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 को मैंने किसका जोड़ा है, 14 के साथ जोड़ा है, तो 1 में से 14 जाएगा तो 13 मिलेगा, यानी ये जो कनेक्शन किया इनके बीच दूरी जो है ये आपका 13 है बैक पिच। और भाई फ्रंट पिच की बात करें तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक के देखें तो ये आपका 11 है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ वाइंडिंग पिच इस पर्टिकुलर वाइंडिंग के लिए। बैक पिच मतलब 13 माइनस फ्रंट पिच मतलब 11, यानी 2 के बराबर होगा, ठीक है। या फिर ये सिंप्लेक्स वाइंडिंग है, तो सिंप्लेक्स वाइंडिंग में हमेशा वाइंडिंग पिच 2 के बराबर होता है, ठीक है, समझ गए। तो अभी हम लोग यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं इस वाले एग्जांपल में कि मेरा ये जो वाइंडिंग पिच है ना, ये 2 के बराबर है, ठीक है, मतलब सिंप्लेक्स वाइंडिंग हम लोग लेकर के चल रहे हैं, बस इतना समझिए। इस पर हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सो ठीक है, और प्रूफ भी हो जाएगा लास्ट में, प्रूफ कर दूंगा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए। तो अभी जैसे वाइंडिंग पिच मेरे को पता चल गया 2 है, ठीक है, बैक पिच मान लेते हैं फर्स्ट केस में 11 लेकर के चल रहा हूँ, तो 11 पुट कर देते हैं माइनस यहाँ पे हो जाएगा वाई एफ, तो वाई एफ कितना आएगा बताइए, वाई एफ यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, यानी 9 आ जाएगा, सीधे सीधे 9 आ गया, ठीक है, जब हम लोगों ने बैक पिच 11 रखा है। तो उसी तरीके से अब मान लेते हैं बैक पिच का वैल्यू मैं भी 9 पुट करता हूँ, तो वाइंडिंग पिच कितना है मेरा 2 है, बराबर वाई बी मैं कितना रख रहा हूँ, 9 रख रहा हूँ, तो 9 रख देता हूँ, और वाई एफ जब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए तो वाई एफ आपका 7 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए वाई बी मेरे पास यहाँ पे 2 है, एक तो 11 है और एक मेरा 9 है, ठीक है। तो वाई एफ कितना आया, जब मैंने वाई बी का वैल्यू 11 रखा है तो वाई एफ मेरा यहाँ पे 9 आया है, भाई 9 ही तो आया है ना 11 पुट करने पे, समझे। और वाई बी का वैल्यू जब मैंने 9 रखा है तो वाई एफ मेरा यहाँ पे 7 आया है, ठीक है। ये बैक पिच हो गया 2 डाटा, उसी तरीके से फ्रंट पिच का आपका 2 डाटा निकल के आया, क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे एवरेज पिच का सहारा लेते हैं, तो एवरेज पिच इक्वल टू होता है, तो पहले केस में हम लोग ये दोनों का लेकर चलते हैं पैटर्न, यानी बैक पिच 11 प्लस फ्रंट पिच 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी आ गया मेरा 10, ठीक है।
जब हम लोगों ने इस कॉम्बिनेशन को लेकर के चला है, ठीक है। अब वही सेकंड केस में मान लेते हैं ये कितना हो जाएगा, 9 + 7, मतलब इस वाले पेयर को लेकर के चल रहे हैं, 9 + 7/2 कितना हो जाएगा आपका, ये 9 × 7 = 16, 16/2 यानी 8 के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए जो एवरेज पिच आया कितने के बराबर आएगा, एवरेज पिच यहाँ पे 10 आया, तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं एवरेज पिच में ये देखा जाता है भाई कि जो करीब है किसके करीब, जो आपका ये आया ना रिजल्टेंट यहाँ पे, ठीक है, टोटल स्लॉट डिवाइडेड बाय, आई मीन टोटल कंडक्टर डिवाइडेड बाय आपका जो टोटल पोल के बाद जो आया, मतलब अगर एवरेज पिच आपके इसके करीब आ चुका है, ठीक है, इसके करीब आ गया है, उसी को हम लोग मान के चलेंगे। यानी इस पर्टिकुलर मशीन के लिए 11 आपका क्या हो जाएगा, बैक पिच हो जाएगा और 9 आपका फ्रंट पिच हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझे? मतलब ये जो आपका वैल्यू आया ना, ये अगर इस वाले वैल्यू के करीब आ गया, यानी बहुत ही करीब है, अप्रोक्स यहाँ पे तो बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है, यही आपका बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब 11 को मैं एज अ बैक पिच लूंगा और 9 को एज अ मैं फ्रंट पिच लूंगा। क्लियर हुआ, क्योंकि ये 8 बहुत दूर है ना 2 से, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कभी भी नहीं, मतलब 9 बैक पिच और 7 एज अ फ्रंट पिच कभी भी नहीं लेकर के चलेंगे। तो आई होप कि आपको एवरेज पिच का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। और यही सेम चीज अगर मैं यहाँ पे इस वाले वाइंडिंग के लिए देखूं, क्योंकि ये भी आपका सिंप्लेक्स वाइंडिंग है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए उसी तरीके से अगर निकालते हैं, जैसे बैक पिच मेरा कितना है 24, भाई टोटल कंडक्टर 24 है डिवाइडेड बाय दो पोल का मशीन, तो कितना है 12, ठीक है। अब इसमें प्लस 1 जोड़ूंगा तो ये 13 दे देगा, और प्लस माइनस 1 कर दूंगा तो मेरे को 11 दे देगा। तो अगेन यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि बैक पिच मैं 13 लेकर के चलूँ कि 11 लेकर के चलूँ, है ना। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन वही सबसे पहले तो वाइंडिंग पिच कैलकुलेट करते हैं। तो वाइंडिंग पिच कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है YB माइनस YF के बराबर होता है, ये सिंपलेक्स वाइंडिंग है तो YW का वैल्यू हमेशा 2 होता है, समझ रहे हैं। YB आप यहाँ पे एक केस में देखिए, मतलब अभी जो जैसे किया ना हम लोगों ने, मतलब YF का वैल्यू हम लोग को चाहिए ना, तो ये वाइंडिंग पिच 2 पुट कर दिया मैंने, YB का वैल्यू एक बार में 13 रखूंगा तो 13 रख देते हैं माइनस YF, तो कितना हो जाएगा इस केस में आपका YF आ जाएगा 13 में से 2 गया 11, ठीक है। और भाई जब हम लोग YB का वैल्यू 11 पुट करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 2 क्योंकि वाइंडिंग पिच 2 है, बराबर YB 11 पुट कर रहा हूँ माइनस यहाँ पे YF, तो कितना आ जाएगा आपका YF आ जाएगा 9 के बराबर, ओके, ठीक है। तो अगेन हम लोग का क्या है, 2 कॉम्बिनेशन आया था। यहाँ पे एवरेज निकाल दीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज पिच इक्वल टू YB प्लस YF डिवाइडेड बाय 2। तो अभी हम लोग का 2-2 कॉम्बिनेशन है, YB का वैल्यू है मेरा 13 और 11 और YF का वैल्यू है मेरा 11 और 9, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों कॉम्बिनेशन को लेकर के चलते हैं, तो पुट कीजिए 13 और 11 कितना हो जाएगा 24, ठीक है, यानी 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा आपका 12, ठीक है। और एक बार आएगा जब इस कॉम्बिनेशन को लेकर चलेंगे, एवरेज पिच इक्वल टू 11 + 9/2 यानी 20/2 यानी कितना 10, तो किसके बराबर है? ये वाला आया ना, इसके ये बराबर है इस वाले के वैल्यू के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे क्या किया, 13 + 11 जोड़ा तभी तो हम लोग का 24 के बराबर आया, समझे। तो यहाँ पे 13 हम लोग एज अ बैक पिच लेके चलेंगे और 11 एज अ फ्रंट पिच लेकर के चलेंगे, इसी बेसिस पे आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, अब बाकी का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। वाइंडिंग करना हम लोग सीखेंगे, लैब वाइंडिंग क्या होता है, वेव वाइंडिंग क्या होता है, इसका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, तभी मैं आगे का लेक्चर कंटिन्यू करूँगा।